सामान्य अध्ययन में जीएस के पार्ट में भूगोल का एक अहम रोल रहा है। अहम रोल का मतलब, जब से लोक सेवा आयोग की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा की बात करें, चाहे संघ लोक सेवा आयोग की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश टेट की बात करें, चाहे सुपर टेट की बात करें, यदि वो पर्यावरण को रखते हैं तो अपने आप भूगोल आ जाता है, भूगोल को रखते हैं तो पर्यावरण अपने आप आ जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वह जो भूगोल का रोल होता है, ये सामान्य अध्ययन के सिलेबस में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और जब भी सामान्य अध्ययन की बात करते हैं, या जब हम सामान्य अध्ययन के बारे में सोचते हैं, या जब हमारे दिमाग में सामान्य अध्ययन की बात आती है, तो उस समय भूगोल का चेहरा अपने आप सामने आता है। यह सब्जेक्ट ऐसा है जिसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, यह कला वर्ग में भी पढ़ा जाता है, विज्ञान वर्ग में पढ़ा जाता है। माने भूगोल साइंस का भी सब्जेक्ट है और आर्ट का भी सब्जेक्ट है, इसलिए इसकी जो गरिमा होती है, इसकी महानता होती है, वो कुछ ज़्यादा उभर कर सामने आती है। और अगर हम प्रश्नों की हाल देखें, अगर परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो कभी कभी हम लोग को देखने को मिलता है कि कभी कभी संविधान क्वेश्चन इक्का दुक्का पूछे जाते हैं, इतिहास क्वेश्चन कभी पूछे जाते हैं, कभी निर्धारित कर दिए जाते हैं, कभी संख्या उनकी कम कर दी जाती है, लेकिन जो भूगोल का सूर्य है यह कभी अस्त नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य है, कोई भारतीय या उत्तर प्रदेश की कोई परीक्षा की अगर हम बात करें, भूगोल से प्रश्न प्रति वर्ष रहा है, ऐसा कोई वर्ष नहीं रहा है जिसमें भूगोल का या भूगोल सब्जेक्ट से प्रश्न नहीं पूछा गया हो। इसलिए सामान्य अध्ययन कक्षा में हम भूगोल, पॉलिटी और हिस्ट्री, इन तीन सब्जेक्ट को पैरेलल लेकर चलेंगे, और जियोग्राफी और पॉलिटी हम पढ़ाएंगे और प्रयास करेंगे ये खत्म होने के बाद आगे आपको शेड्यूल बताएंगे हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो शुरू करेंगे, आज हम लोग भूगोल के दो पार्ट हैं जहां से हम लोग को पढ़ना था। पहला पढ़ना था एस्ट्रोनॉमी और दूसरा पढ़ना था जियोग्राफी। एस्ट्रोनॉमी जियोग्राफी में जियोग्राफी के कई पार्ट हैं। अगर हमें देखिए भूगोल के जनक कौन है, तो भूगोल के जनक अगर पूछा जाता है, भूगोल शब्द का प्रश्न किसने किया, तो इस सब पढ़ने से हमारा समय बर्बाद होगा और हमें इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते। बस मोटी मोटा बता देते हैं, इराटोस्थनीज ने सबसे पहले क्या शब्द का प्रयोग किया था, भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, जबकि उन्हें भूगोल का जनक नहीं कहते। भूगोल का जनक किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, नहीं बताएं किसको कहते हैं, तो आप लोग बताइएगा भूगोल के जनक क्यों कहते हैं और उन्हें जनक क्यों कहते हैं। जब भूगोल शब्द का प्रयोग इराटोस्थनीज ने कहा, तो फिर क्यों हिकेटियस को कहते हैं, ठीक, उसका भी लॉजिक इन्होंने क्रमबद्ध तरीके से किया था। ये सब लिखेगा मैं, क्योंकि सब सुनते चलेगा, लिखने वाला कॉन्सेप्ट आएगा जो हम आगे हम लोग लिखेंगे। शुरुआत करते हैं, जैसे भूगोल शब्द का मतलब होता है भू माने पृथ्वी, गोल माने गोल, माने ऐसा विज्ञान जो गोल हो, माने पृथ्वी गोल है, यहीं से हमारी प्रारंभ होती है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी क्या है, गोल है। जियोग्राफिका, जियो और ग्राफिका दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो माने पृथ्वी, ग्राफिका माने वर्णन करना, माने पृथ्वी का वर्णन करना। जब भूगोल को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं पृथ्वी क्या है, जब पृथ्वी पढ़ते हैं तो अगला प्रश्न उठता है पृथ्वी कहाँ से आई, पता चला सौरमंडल से आई, सौरमंडल कहाँ से है, ब्रह्मांड से है, तो हम ब्रह्मांड को पढ़ते हुए आते हैं। इसलिए हम भूगोल को दो पार्ट में पढ़ते समय भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहला हम लोग पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान, फिर हम पढ़ेंगे भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी, फिर उसके बाद भारत का भूगोल पढ़ेंगे, ठीक। इस तरह से भूगोल को कई पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान की तरह पढ़ेंगे, जिसे हम फिजिकल ज्योग्राफी का टर्न भी कहते हैं, जबकि दोनों में अंतर है वैकल्पिक विषय के दृष्टिकोण से, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा जो कॉन्सेप्ट है फिजिकल ज्योग्राफी माने भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल क्या है, अगर भौतिक भूगोल की भाषा या भौतिक भूगोल आपको समझ में आ जाती है, जैसे ये पता चल जाए कि इस समय सूर्य कहाँ होगा, तो आप बता सकते हैं वहाँ क्या क्या कंडीशन होगी। मैं बता दूं कि 66 डिग्री के ऊपर कैसे वनस्पति होंगे, अगर आपको पता वहाँ बर्फ गिरेगी तो कैसे पेड़ होंगे, कटहल का तो पेड़ होगा नहीं, क्यों, उसका रीजन आप बताएंगे। आदमी लोग कैसे होंगे, वहाँ के जो जानवर होंगे, जैसे मान लो वहाँ का कुत्ता कैसा होगा, बड़े बड़े बाल रखेगा, हीरो की तरह बड़े बड़े बाल, वहाँ नाई नहीं मिलेंगे बाल कटवाने के लिए, तो आपको बताएंगे क्यों, क्योंकि वो ठंडक ज़्यादा है, बाल बड़े बड़े हो जाएंगे। इसलिए जियोग्राफी जब शुरू करेंगे तो सबसे बड़ा जो टर्म आता है वह यह है फिजिकल ज्योग्राफी। अगर फिजिकल ज्योग्राफी आपको समझ में आ गई तो जितनी भी इसकी आधारशिला अपने आप समझ में आ जाएगा, हवा क्या है, हवा कैसे चलती है, चक्रवात क्या है, प्रतिचक्रवात क्या है, किस किस देश में किसका रोल कहाँ है, वर्षा कैसे होती है, वर्षा कब होती है कब नहीं होती, इन सभी टर्म को हम आसानी से समझ लेंगे। इसलिए भूगोल को पढ़ने से पहले हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ाते आप ऊब जाते, इसलिए इसे रोचक बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, ताकि आप और जानने के एक जिज्ञासु हो और इसे पढ़ना चाहे। इसलिए हम जो शुरू करेंगे वो सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी का टर्म शुरू करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी पूरा पढ़ लेंगे। फिजिकल पढ़ने के बाद इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना बेहद आसान हो जाता है, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने के बाद इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी के बाद इसके बाद 10 दिन के 15 दिन के कॉन्सेप्ट में लेके हम एस्ट्रोनॉमी को खत्म कर देंगे। इसलिए एस्ट्रोनॉमी सबसे बाद में पढ़ेंगे, ताकि आप एस्ट्रोनॉमी जानने के नाते पढ़ें कि एस्ट्रोनॉमी भी क्या है, खगोल विज्ञान क्या है, ठीक है। अभी पढ़ाएंगे तो कहेंगे भूगोल है,
पढ़ेंगे तो नींद आएगी, इसलिए नींद को हटाने के लिए पहले हम कहां शुरू करेंगे, भौतिक भूगोल से पढ़ेंगे। भौतिक भूगोल से पढ़ेंगे, कहां शुरू करेंगे, पृथ्वी से। तो आज से जो हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होने वाला है वो शुरू होगा भूगोल से। आप सभी लोग अगर जीएस पढ़ना चाहते हैं, जीएस सुचारू रूप से पढ़ना चाहते हैं, तो आज का जो टर्म है, आज का जो पैटर्न है, हम शुरू करते हैं कहां से, भूगोल शुरू करते हैं। तो चलिए इसके जस्ट बाद से अगले टर्म से हम लोग पढ़ेंगे भूगोल।